उद्देश्य को सीखना। इस अध्याय में उपयोगकर्ता निम्नलिखित बातों को विस्तार से सीखेगा। डिजाइन की आवश्यकता, मानव कारक, मानव धारणा के बुनियादी सिद्धांत, मानव कौशल स्तर और व्यवहार, संवाद और कार्यों, सीखना और सीखना मोड, संज्ञानात्मक डोमेन सीखना, उत्तेजित और मनोचिकित्सक डोमेन सीखना, मल्टीमीडिया शैक्षिक सॉफ्टवेयर मोल्डिंग, सिस्टम क्वालिटी, उपयोगकर्ता इंटरफेस के तत्व। डिजाइन की आवश्यकता, डिजाइन लिखने और पढ़ने सीखने वाले व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया है। वह ड्राइंग द्वारा शुरू किया गया ड्राइंग विचार और अभिव्यक्ति को उजागर करने का तरीका था। ड्राइंग या लेखन का विचार और याद रखने का तरीका था। हम सबसे जटिल चीजों की सरल ड्राइंग बनाते हैं। आप डिजाइन के एक बहुत विशिष्ट तरीके से एक उत्पाद को व्यक्त कर सकते हैं। डिजाइन बाद में एक मानक रंग सामग्री सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए शुरू कर दिया है। डिजाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि एक अद्वितीय तरीके से हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। रचनात्मकता हर जगह है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सब कुछ हमारी रचनात्मकता का स्पर्श है। एक डिजाइनर के रूप में यदि हम एक दृश्य समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रभावी और टाइमलेस समाधान प्रदान करने की आवश्यकता होगी। काम पर कई बार ऐसे परियोजनाएं होती हैं जो ताज़ा अवधारणाओं की मांग करती है। एक डिजाइनर ग्राफिक सॉफ्टवेयर के साथ डिजाइन करना शुरू कर सकता है ताकि एक अंतिम संस्करण तैयार किया जा सके। कुछ तत्वों का उपयोग फॉन्ट पर अंकित हो या डिजाइन पर एक निश्चित इमेज और क्लिप आर्ट के रूप में किया गया हो। डिजाइनर एक दूसरे के बाद एक डिजाइन बनाता है यह जानने के लिए कि क्या काम करता है या नहीं। यह असंगठित वर्कफ्लो कभी कभी डिजाइनर पर बहुत दबाव डालता है और एक रचनात्मक ब्लॉक तक पहुँच सकता है। अवचेतन रूप से डिजाइन करने के बजाय हमें जानबूझकर डिजाइन करें या डिजाइन में उपयोग किए गए प्रत्येक तत्व की व्याख्या करने में सक्षम होगा। अवचेतन रूप से डिजाइन करने के बजाय हमें जानबूझकर डिजाइन करें या डिजाइन में उपयोग किए गए प्रत्येक तत्व की व्याख्या करने में सक्षम होगा। एक डिजाइन प्रक्रिया बहुत अधिक समय और ऊर्जा बचाएगी। एक अच्छी योजना स्थिरता और विश्वसनीयता के मामले में कंपनी के ब्रांडिंग मूल्य को भी बढ़ाएगी। डिजाइन विशिष्टता, विनिर्देश जो उत्पाद के लिए आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। यह एक पारंपरिक प्रकार का विनिर्देश है जिसे ऐतिहासिक रूप से इमारतों, राजमार्गों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए सार्वजनिक करार में उपयोग किया गया है। आवश्यक गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषता जो प्रदर्शन आवश्यकताओं, आयाम, वजन जैसे मानदंड निर्धारित करते हैं। ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का गहन उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर पर उच्च मांग रखता है। आवश्यकता स्टूडियो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए मध्यम स्तर के विनिर्देशों, ग्राफिक डिजाइन के लिए उच्च स्तरीय विशेषताओं में विभाजित है। स्क्रिप्ट्स, एक कंप्यूटर स्क्रिप्ट उन कमांडों की एक सूची है जो कि एक निश्चित प्रोग्राम द्वारा निष्पादित होती है। स्थानीय कंप्यूटर या वेब पर प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने के लिए स्क्रिप्ट्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विंडोज मशीनों ASP, JSP और PHP स्क्रिप्ट पर प्रक्रिया चलाने के लिए DOS स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अक्सर डायनेमिक वेब पेज सामग्री को बनाने के लिए वेब सर्वर पर चलते हैं। स्क्रिप्ट फाइलों को आमतौर पर टेक्स्ट दस्तावेज होते हैं जिनमें एक निश्चित स्क्रिप्टिंग भाषा में लिखित निर्देश होते हैं। यह उचित स्क्रिप्टिंग इंजन द्वारा खोला गया है। स्क्रिप्ट के भीतर दिए गए आदेशों को निष्पादित किया जाता है। विंडो के अंतर्निहित VB स्क्रिप्टिंग समर्थन का उपयोग करते हुए डबल क्लिक किए जाने पर VB विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट चलने लगेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम या निर्देशों का क्रम है जो कंप्यूटर प्रोसेसर के बजाय किसी दूसरे प्रोग्राम द्वारा किया जाता है।
कुछ भाषाओं को स्पष्ट रूप से स्क्रिप्ट भाषाओं के रूप में अनुमानित किया गया है। सबसे लोकप्रिय पर्ल, RESX, जावास्क्रिप्ट और TCL और TK डॉट में है। एक वेब पेज में एक जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वेब ब्राउजर पर क्लाइंट साइट चलाता है। सामान्य रूप से स्क्रिप्ट भाषाओं को और अधिक संरचित की तुलना में कोड में आसान और तेज है यह C और C++ जैसे भाषाओं को कंपाइल करता है। एक स्क्रिप्ट को कंपाइल प्रोग्राम से चलाने के लिए अधिक समय लगता है क्योंकि प्रत्येक निर्देश को मूल निर्देश प्रोसेसर द्वारा सीधे बजाय किसी अन्य प्रोग्राम द्वारा संभाला जा रहा है। स्टोरीबोर्ड क्या है? एक स्टोरीबोर्ड एक डिजाइनर का दृश्य प्रतिनिधित्व है जो वह देखने के लिए अंतिम परियोजना की कल्पना करता है। इसमें आमतौर पर हैंड ड्रॉन सेल की एक श्रृंखला होती है जो कागज के आधे शीट के आकार के होते हैं। एक फिल्म या एनिमेशन के लिए एक अवधारणा या स्क्रिप्ट लिखी जाने के बाद अगला चरण स्टोरीबोर्ड बनाना है। एक स्टोरीबोर्ड देखने में एनिमेशन पैनल की कहानी बताता है। स्टोरीबोर्ड आपकी स्टोरीबोर्ड को निम्नलिखित में से कुछ जानकारी देना चाहिए। कैरेक्टर फ्रेम में है और वे कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे के बीच कैरेक्टर डायलॉग, स्टोरीबोर्ड की लास्ट फ्रेम और वर्तमान के बीच का समय बीत गया है, दृश्य और दूरी, बंद या दूर में कैमरे की स्थिति और कैमरे की मूवमेंट। स्टोरीबोर्ड का उद्देश्य क्या है? मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में दी जाने वाली जानकारी के लिए लॉजिकल प्रारूप का निर्धारण करने के लिए डिजाइनर के स्टोरीबोर्ड का उद्देश्य। इसका मतलब यह है कि डिजाइनर स्टोरीबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों को बनाएगा जिसमें जानकारी को समूहित किया जाना है और किस प्रकार विशिष्ट जानकारी का प्रतिनिधित्व करना है। इसके अलावा सूचना के संगठन के आधार पर नेविगेशनल निर्णय भी बनाए जाएंगे। क्यों एक स्टोरीबोर्ड बनाते हैं? एक स्टोरीबोर्ड बनाना आपको शॉट के द्वारा अपने एनिमेशन को शॉट की योजना बनाने में मदद करेगा। एनिमेटिंग शुरू करने से पहले आप अपने स्टोरीबोर्ड में बदलाव कर सकते हैं। आप अपने एनिमेशन के बारे में बात कर पाएंगे और अपने स्टोरीबोर्ड को अपने विचारों पर प्रतिक्रिया पाने के लिए अन्य लोगों को दिखा सकेंगे। मैं स्टोरीबोर्ड कैसे बनाऊं? आमतौर पर स्टोरीबोर्ड को पेन या पेंसिल से खींचा जाता है। यदि आप आकर्षित नहीं करना चाहते हैं तो आप फोटो ले सकते हैं। अपने स्टोरीबोर्ड को बनाने के लिए पत्रिकाओं से चित्र काट सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके चित्रों को फैंसी नहीं करना है। वास्तव में आप प्रत्येक फ्रेम को चित्रित करने में कुछ मिनट खर्च करना चाहते हैं। बुनियादी आकार, स्टिक के आंकड़े और सरल बैकग्राउंड का उपयोग करें। स्टोरीबोर्ड भाषा, क्लोजअप शॉट, कैमरा और विषय के बीच दूरी का एक करीबी रेंज, डिसोवल, दो शॉट्स के बीच एक संक्रमण जहां एक शॉट फेड हो जाता है और एक साथ दूसरे शॉट में फेड हो जाता है, उच्च कैमरा कोण, एक कैमरा कोण जो अपने विषय पर दिखता है वह छोटा, कमजोर या महत्वहीन दिखाई देता है, जंप कट, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक तेजी से संक्रमण या तो समय के प्रवाह में बाधा डालना, लेवल कैमरे के कोण, एक कैमरा कोण जो विषय के साथ भी है, यह एक तटस्थ शॉट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लंबा शॉट, कैमरा और सब्जेक्ट के बीच दूरी की एक लंबी दूरी की अक्सर सेटिंग की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करते हैं, कम कैमरे कोण, एक कैमरा कोण जो उसके विषय में दिखता है, यह विषय महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लग रहा है, पैन, एक दृश्य में एक बिंदु से दूसरे तक एक स्थिर स्वीपिंग मूवमेंट, POV, दृश्य शॉट के बिंदु, दृश्य के भीतर एक पात्र के दृष्टिकोण से देखा जाने वाला एक शॉट, रिएक्शन शॉट, बंद स्क्रीन में किसी शॉट को देखना, टिल्ट, ट्राइपैड पर कैमरे का उपयोग करना, एक्शन का अनुसरण करने के लिए कैमरा ऊपर
या नीचे चलता रहता है। ज़ूम, सब्जेक्ट के नजदीक जाने के लिए कैमरे के लेंस का इस्तेमाल करना। स्टोरी बोर्ड बनाना, एक स्टोरी बोर्ड घटनाओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। स्टोरी बोर्ड को स्क्रिप्ट द्वारा सूचित किया जाता है और जो किसी न किसी चित्र का उपयोग करता है। स्टोरी बोर्डिंग प्रमुख दृश्यों को एक उच्च डिग्री योजना की आवश्यकता हो सकती है, इससे उनकी सफल निष्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्टोरी बोर्ड का प्रयोग एनिमेशन और लाइव एक्शन प्रोडक्शन दोनों के लिए किया जा सकता है। स्टोरी बोर्ड जनरेटर, स्टोरी बोर्ड जनरेटर के साथ स्टोरी बोर्डिंग अवधारणाओं को एक्सप्लोर करें। एक स्क्रिप्ट चुनें और स्टोरी बोर्ड बनाएं और बैकग्राउंड स्थान की तस्वीरों का उपयोग करके अपना स्वयं का स्टोरी बोर्ड बनाएं। दोस्तों के साथ अपने स्टोरी बोर्ड वीडियो को सेव और शेयर करें। स्टोरी बोर्ड के लाभ और प्रभावशीलता। यह प्रोग्राम आइडिया की व्यवहारिता के बारे में भावनाओं को उत्प्रेरित करने में मदद करता है और स्टोरी बोर्ड बनाने के परिणाम स्वरूप चूक को देखा जा सकता है। एक दस्तावेज है जो हर किसी के संदर्भ में सामान्य बिंदु के रूप में इंगित कर सकता है, जिससे डिजाइन टीम को सक्षम किया जा सकता है। स्टोरी बोर्ड प्रोग्राम के कुल आकार के दृष्टिकोण से और उपयोगकर्ता के इंट्रैक्शन समय पर चर्चा करने में प्रोग्राम की कुल सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। स्टोरी बोर्ड से समस्याएं देखी जा सकती है। एक विस्तृत स्टोरी बोर्ड प्रोजेक्ट प्रलेख लिखने में समय बचा सकता है, उदाहरण के लिए उत्पाद विनिर्देशन दस्तावेज के उत्पादन में। उन्नत नियोजन के साथ कंटेंट राइटर के पास काम करने के लिए टेम्पलेट हो सकते हैं। यह कंटेंट राइटिंग प्रक्रिया को गति देता है और स्टोरी बोर्ड का उत्पादन इतना तेज बनाता है। स्टोरी बोर्डिंग की सच्ची प्रभावशीलता को मापना निश्चित रूप से समस्याग्रस्त है। वाणिज्यिक डेवलपर से डेटा की कमी है और कौन सा डेटा उपलब्ध है, इसकी विश्वसनीयता से सवाल पूछे जाने चाहिए। कुछ डेवलपर्स नियोजन में कमजोरियों से उत्पन्न कार्यक्रम संशोधन की लागतों के लिए उत्सुक है, लेकिन यदि स्टोरी बोर्डिंग की डिजाइन प्रक्रिया में भूमिका निभानी है तो उसके बारे में सही तरीके से उत्पाद डिजाइन को प्रभावित करना चाहिए। स्टोरी बोर्डिंग का मुख्य लाभ यह है कि यह इंटरफेस क्या करता है। स्टोरी बोर्ड्स के अतिरिक्त लाभ यह समझ रहे हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी मानव गतिविधि को पुनर्व्यवस्थित करती है और एक प्रणाली ट्रैंग हेज एंड अबाउट 2006 हेज एंड अबाउट 2006 की प्रतिक्रिया की समझ को प्रभावित करती है। स्टोरी बोर्ड्स परियोजना टीम के सदस्यों की सहायता करने का एक अच्छा तरीका है। स्टोरी बोर्ड्स फ्लोचार्ट्स और अन्य अधिक तकनीकी ड्राइंग से अधिक सार्थक है, जो कि दर्शकों को उत्पाद उपयोग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी होते हैं। प्रारंभिक चरण के डिजाइन फीडबैक हासिल करने का एक तरीका। प्रोग्रामिंग कौशल की आवश्यकता नहीं है, कलात्मक कौशल की आवश्यकता नहीं है। स्टोरी बोर्ड डिजाइन के विचारों को स्केच करने का एक त्वरित तरीका प्रदान करता है। फ्लोचार्ट, सामान्य फ्लोचार्ट सिंबल। जब कोई मल्टीमीडिया उत्पाद के साथ इंटरैक्ट होता है तो उपयोगकर्ता को एक अलग प्रवाह दिखाने के लिए एक फ्लोचार्ट का उपयोग किया जाता है। फ्लोचार्ट्स पर मानक सिंबल का उपयोग किया जाता है। सामान्य फ्लोचार्ट सिंबल, विभिन्न फ्लोचार्ट सिंबल के विभिन्न अर्थ हैं। सबसे आम फ्लोचार्ट सिंबल है टर्मिनेटर, एक अंडाकार फ्लोचार्ट आकार प्रक्रिया के प्रारंभ या अंत का संकेत देता है। प्रक्रिया, एक आयताकार फ्लोचार्ट आकार जो सामान्य प्रक्रिया प्रवाह चरण का संकेत देता है। निर्णय, एक हीरा फ्लोचार्ट आकार संकेत प्रक्रिया प्रवाह में एक शाखा होता है। कनेक्टर, प्रक्रिया के प्रवाह में कूदने का संकेत करने के लिए एक छोटा लेबल वाला परिपत्र प्रवाह चार्ट आकार नीचे दिए गए अक्षर ए के साथ सर्कल के रूप में दिखाया गया है।
डेटा एक समांतर भुज एक प्रक्रिया के लिए डेटा इनपुट या आउटपुट को इंगित करता है। दस्तावेज किसी दस्तावेज या रिपोर्ट को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लोचार्ट का उपयोग क्यों करें? फ्लोचार्टिंग आपको किसी भी प्रक्रिया को काटने के आकार वाले वर्गों में विभाजित करने और उन्हें लघु कोड रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। इस तरह आपके दर्शकों को तार्किक प्रवाह और चरणों के बीच संबंध आसानी से देख सकते हैं। फ्लोचार्ट विभिन्न उद्योगों और करियर में एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि वे सूचना प्रदर्शित करने की एक स्पष्ट संक्षिप्त विधि है। कब एक फ्लोचार्ट बनाएं? फ्लोचार्ट दूसरों के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया को संप्रेक्षित करने के लिए आदर्श होते हैं। यदि आप प्रक्रिया के बारे में उलझन में हैं, तो आप भी एक फ्लोचार्ट बना सकते हैं। फ्लोचार्ट प्रारूप में दिए गए चरणों के मानचित्रण का कार्य आपकी अपनी समझ को स्पष्ट कर सकता है। जब एक प्रक्रिया विशेष रूप से जटिल होती है, फ्लोचार्ट आपको प्रत्येक चरण या तत्व पर ध्यान से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, इसलिए आपको बड़ी तस्वीर से अभिभूत नहीं मिलता है। एक फ्लोचार्ट आकर्षित करना उपयोगी हो सकता है जब प्रक्रिया या प्रक्रियाओं का एक सेट को परिभाषित करना, विश्लेषण करना या चर्चा करना, अपने खुद के या दूसरे की समझ के लिए प्रक्रिया का एक चरण दर चरण चित्र बनाना, किसी प्रक्रिया में सुधार के लिए क्षेत्रों को मानकीकृत करना या खोजने। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फ्लोचार्ट उदाहरण। कोड को व्यवस्थित करने का तरीका दिखाएं। प्रोग्राम के भीतर कोड के निष्पादन को विजुअलाइज करें। वेबसाइट या एप्लीकेशन की संरचना दिखाएं। समझें कि कैसे उपयोगकर्ता एक वेबसाइट या प्रोग्राम को नेविगेट करते हैं। एक स्क्रिप्ट लेखन। आपकी स्क्रिप्ट को शीर्षक पेज की आवश्यकता होगी। इसमें शीर्षक और आपका नाम शामिल होगा, लेकिन इसमें आपकी संपर्क जानकारी और आपके एजेंट की जानकारी भी शामिल होगी यदि आपका कोई एजेंट है। सही फॉन्ट, मार्जिन और ब्रेक का उपयोग करें। अपनी स्क्रिप्ट लिखते समय आपको कुरियर फॉन्ट, टाइपराइटर फॉन्ट 12 बिंदु का उपयोग करना होगा। इसे और अधिक प्रोफेशनल रूप दिया जाएगा, लेकिन यह पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपको अपनी स्क्रिप्ट के प्रत्येक भाग के लिए सही इंडेंटेशंस का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे पाठक अंतरण, दृश्य विवरण आदि के बीच भेद करने में मदद करेगा। सेटिंग और कैरेक्टर के बारे में उपयोगी विवरण दें। प्रत्येक दृश्य के पहले स्लग लाइनों का उपयोग करें। ये कह रहे हैं कि कार्रवाई अंदर या बाहर हो रही है, स्थान क्या है और अगर यह दिन या रात है। के ऊपर या उसके बाद की सभी कैप में जाना चाहिए, इसके आधार पर आप किसी के लिए लिख रहे हैं। आप कोष्ठक में निर्देश भी लगा सकते हैं, जैसे विराम। प्रस्तुति में अपनी इच्छित विधि के लिए सही फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते। यदि आप कोई फिल्म स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो आपको उस फॉर्मेट में अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। यदि आप एक नाटक लिपि लिखना चाहते हैं, तो आपको उस फॉर्मेट में अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। जब वे काफी हद तक समान हैं, तो अलग अलग अंतर और उन्हें सीखने में समय लगता है। अपने इरादे वाले माध्यमों में बहुत सारी स्क्रिप्ट को देखने के लिए कैसे पेशेवरों ने यह किया है, सुनिश्चित करें कि आपने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। स्क्रिप्ट में आमतौर पर प्रति पेज लगभग एक मिनट लगते हैं, हालांकि निश्चित रूप से कुछ विगल कक्ष है। स्क्रिप्ट उस शब्द की गिनती में पुस्तकों की तरह नहीं है। गेज लेंथ करने का यह एक निश्चित तरीका है। स्क्रीन लेआउट डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन के प्राथमिक उद्देश्य निम्न है। इसके विपरीत के एक स्पष्ट दृश्य पदानुक्रम बनाए, ताकि आप एक नज़र में देख सके जो महत्वपूर्ण है और पेरिफेरल क्या है। पेज के कार्यात्मक क्षेत्रों को परिभाषित करें। ग्रुप पेज तत्व जो संबंधित है, ताकि आप सामग्री में संरचना देख सके। एक सरल पेज ग्रिड डिस्क्रीट फंक्शनल क्षेत्रों को स्थापित करता है और पर्याप्त नकारात्मक स्थान पेज के लिए आंकड़े ग्राउंड रिलेशन को परिभाषित करता है। पेज लेआउट की परिचित
सिद्धांतों का उपयोग करता है और उपयोगकर्ता आसानी से प्रमुख सामग्री और फंक्शनल तत्वों के स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं। संवर्धित पृष्ठ उपयोगकर्ता सामग्री संगठन को समझने में मदद करने के लिए विजुअल और कुछ स्थलों को आकर्षित करने से थोड़ा विपरीत दृश्य बनावट के एक अस्पष्ट क्षेत्र बनाकर पृष्ठ तत्वों के आंकड़े ग्राउंड रिलेशन को भ्रमित करते हैं। क्राउडेड वाले तत्वों में 1+1=3 प्रभाव भी होते हैं जो दृश्य भ्रम को जोड़ते हैं। जैसा कि आप मेनू सूचियों, सामग्री सूचियों, पेज हेडर ग्राफिक्स और अन्य डिजाइन तत्वों के लिए HTML और CSS डिजाइन करते हैं, हमेशा आप पेज पर बनाए गए पैटर्न के अंतर, समूह समानता और समग्र दृश्य तर्क को मानते हैं ताकि आप आसानी से प्रदान करे देखा संरचना भ्रामक विस्तार नहीं है। स्थिरता, अपने टेक्स्ट और ग्राफिक्स से निपटने के लिए एक लेआउट ग्रिड और एक स्टाइल स्थापित करें और फिर अपनी साइट के पृष्ठों में ताल और एकता का निर्माण करने के लिए इसे लगातार लागू करें। पुनरावृत्ति उबाव नहीं है, यह आपकी साइट को एक सुसंगत ग्राफिक पहचान देता है जो बनाता है और फिर स्थान की एक विशिष्ट भावना को पुष्ट करता है और आपकी साइट को यादगार बना देता है। उदाहरण, हीराम कॉलेज होम पेज बैनर साइट के लिए ग्राफिक थीम सेट करता है और विशिष्ट टाइपोग्राफी और नेविगेशन टैब का एक सेट पेश करता है। ध्यान दें कि टाइपोग्राफी और नेविगेशन थीम को इंटीरियर बैनर के लिए कैसे किया जाता है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, 1970 के दशक के आरंभ से व्यापक उपयोग में टर्म मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन HCI, अन्य अनुशासन में रूट, मानव प्रदर्शन का व्यवस्थित अध्ययन पहले ही पिछली सदी की शुरुआत में हुआ। एर्गोनॉमिक्स और मानव कारक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक पहलुओं, मूल नाम मेन मशीन इंट्रैक्शन, 10 सरलता, 10 कानून, कम करें, सरलता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका विचारशील कमी के माध्यम से है। व्यवस्थित करें, संगठन कई लोगों की एक प्रणाली कम दिखाई देता है। समय, समय में बचत सादगी की तरह लगती है। सीखना, ज्ञान सब कुछ सरल बनाता है। अंतर, सादगी और जटिलता को एक दूसरे की आवश्यकता है। संदर्भ, सादगी की परिधि में जो झूठ है वह निश्चित रूप से परिधीय नहीं है। भावना, अधिक भावनाएं कम से बेहतर है। ट्रस्ट, सादगी में हम विश्वास करते हैं। विफलता, कुछ चीजें कभी भी सरल नहीं बन सकती है। एक, सरलता स्पष्ट रूप से घटाना और सार्थक को जोड़ना है। हाइपरमीडिया और नेविगेशन, ई लर्निंग के हाइपरमीडिया पद्धति सीखने के एक सीखने वाले नेतृत्व वाली ढांचे को प्रदान करने के लिए वेब तकनीकों और मल्टीमीडिया प्रारूपों को जोड़ती है। हाइपरमीडिया कंप्यूटर फाइलें हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज हैं जिसमें न केवल टेक्स्ट लेकिन सचित्र और कर्ण जानकारी शामिल है। सीखने की सुविधा के लिए ई लर्निंग के लिए एक हाइपरमीडिया प्रोग्राम में नेविगेशन के अनेक तरीकों और सुविधाओं के साथ सूचना के डेटाबेस शामिल है। एक हाइपरमीडिया प्रोग्राम सफल होने के लिए दो घटक आवश्यक है, इसमें स्पष्ट और सुविचारित उद्देश्य होना चाहिए। हाइपरमीडिया के लिए संरचना, हाइपरमीडिया प्रोग्राम में कई पेजेस शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन शामिल है जो अन्य ऑब्जेक्ट्स या पेजों से जुड़े हैं। एक विशेष तत्व ऑब्जेक्ट को कई अन्य तत्वों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक शब्द की ओर इशारा करते हुए इसकी परिभाषा प्रदर्शित हो सकती है
जबकि उस पर क्लिक करने से आप विषय पर विस्तृत जानकारी के साथ एक पृष्ठ पर पहुंच सकते हैं। हाइपरमीडिया प्रोग्राम में अनुक्रमिक पृष्ठों का पारंपरिक संगठन नहीं है। यह इस तरह के ट्यूटोरियल, अभ्यास और सिमुलेशन के विपरीत है। कई अलग अलग अनुक्रमों में पन्नों का पता लगाया जा सकता है, जो पहले से अनुमान लगाने में मुश्किल है। हाइपरमीडिया फॉर्मेट। कई हाइपरमीडिया फॉर्मेट हैं जो ई लर्निंग सीखने के उद्देश्य के आधार पर में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें से सबसे आम है विश्वकोशीय संदर्भ, विशिष्ट विषय संदर्भ, किसी डोमेन का विश्लेषण, केस अध्ययन, निर्माण सिद्ध, शिक्षित, संग्रहालय, आर्चीव, नेविगेशन और ओरिएंटेशन। नेविगेशन, तुम कहाँ जाना चाहते हो। ओरिएंटेशन, यह जानकर कि आप कहाँ हैं और जहाँ की जानकारी चाहते हैं। हाइपरमीडिया डिसओरिएंटेशन और नेविगेशन डालना हाइपरमीडिया से सीखने में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। हाइपरमीडिया में नेविगेशन विधियों, हाइपरलिंक, मेनू, इंडेक्स, सामग्री की सारणी, खोजकर, बुकमार्क्स और इतिहास, ओरिएंटेशन, डिवाइस, मैप्स, टाइमलाइंस, मेनू, टेक्स्ट क्यूएस, हाइपरलिंक से प्रभावित कारक। हालांकि नेविगेशन के कई तरीके हाइपरमीडिया प्रोग्राम में प्रदान किए जाते हैं, प्राथमिक प्रकार हाइपरलिंक होते हैं। हाइपरलिंक्स के लिए कई कारक प्रासंगिक है। लिंक के प्रकार, टेक्स्ट, लेबल, चित्र, चित्र के कुछ हिस्से, चिन्ह, फिल्में, फिल्मों के कुछ हिस्सों आदि। लिंक का उद्देश्य, विश्वकोश, परिभाषाएं, एक डोमेन का विश्लेषण, एकाधिक दृष्टिकोण आदि। लिंक की घनत्व, पठनीयता, डिसओरिएंटेशन, दृश्यता, स्क्रीन लोकेशन, पुष्टि, सिमेंटिक क्यूइंग, दूरी, स्थानीय बनाम दूर के वेबसाइट, संशोधनीयता, निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने एप्लीकेशन और केस स्टडीज के निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया है। डिजाइन की आवश्यकता, मानव कारक, मानव धारणा के बुनियादी सिद्धांत, मानव कौशल स्तर और व्यवहार, संवाद और कार्यों, सीखना और सीखना मोड, संज्ञानात्मक डोमेन सीखना, उत्तेजित और मनोचिकित्सक डोमेन सीखना, मल्टीमीडिया शैक्षिक सॉफ्टवेयर मोल्डिंग, सिस्टम क्वालिटी, उपयोगकर्ता इंटरफेस के तत्व।